हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं मूनलाइट चिकन एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है बेन और अलान से। उस दिन दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। बड़े स्वीट तरीके से अलान सोते हुए वेन का वीडियो बनाने लगा। वेन को जब पता चला तो उसने ब्लैंकेट में अपने मुंह छुपा लिए। अलान उसे जगाने लगा। वेन ने उसे प्रॉमिस किया था कि आज वो अलान के साथ मॉर्निंग वॉक पर चलेगा, पर वेन को बहुत नींद आ रही थी। अलान ने उसे पूछा, आज कौन सा स्पेशल डे है? वेन को याद ही नहीं था। अलान ने उसे याद दिलाया, आज दोनों का फर्स्ट एनिवर्सरी है। फिर दोनों ने अपने फर्स्ट एनिवर्सरी की याद में फोटोज खिंचवाए, पर अलान को याद ही नहीं रहा था कि एनिवर्सरी में कितने एन होते हैं। वेन ने उसे बताया और लिख कर रखने को बोला। वो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, लेकिन एनिवर्सरी बीतने के साथ उनके रिलेशनशिप में भी काफी बदलाव आने लगे। जो पहले प्यार था, अब उसकी जगह मजबूरी ने ले ली। वेन को अब अलान से प्यार नहीं रहा, वो बस अलान को अब दोस्त की तरह मानने लगा। पर अलान को ये मंजूर नहीं था। उसने वेन से पूछा कि आखिर क्यों वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, क्या मिस्टेक हुई है उससे। वेन उसे कुछ बताए तो वो उसको सुधार सकता है। वेन बोलने लगा, बस बहुत हुआ अलान, देखो हम दोनों के बीच वर्क नहीं करेगा। मैंने बहुत ट्राई किया पर अब मुझसे नहीं होगा। तुमने कहा था ना हम दोनों अब दोस्त की तरह रहेंगे, पर तुम भी ये नहीं कर पा रहे। तुम जानते हो कि तुम्हें फ्रेंड से भी ज्यादा चाहिए। अलान बोलने लगा, तो वेन तुम्हें लगता है मेरे लिए इजी है एक बॉयफ्रेंड को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना? तुमने मुझे कोई चॉइस दिया ही नहीं, बस उस सिटी एक्सक्यूज देकर ब्रेकअप करना चाहते हो। वेन की आंख में आंसू आ गए। फाइन, तुम वही सिटी एक्सक्यूज सुनना चाहते हो ना। सुनो, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। मैं नहीं चाहता कि जब देर रात मैं घर लौटूं तो तुम मेरा वेट करो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। अलान बोलने लगा, इसीलिए तो मुझे लगता है हमारे पास होप है। पर वेन अब और टॉलरेट नहीं कर सकता था। अलान ने उसे बोला, वेन हम दोनों साथ में सोए पर फिर भी सिर्फ ब्लेम मैं ही हो रहा हूँ। वेन ने उसे बोला, सुनो अलान, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए सोया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा था। समझ आया तुम्हें? तुम्हें पता है अलान, मैं भी चाहता था कि हमारे बीच सब वर्क करे और डीप डाउन तुम भी यही चाहते हो, पर देखो क्या हो गया, हर बार बहस में मैं ही बुरा बन जाता हूँ। अलान उसे सॉरी बोलने लगा। वेन ने उसकी सॉरी तो एक्सेप्ट की, पर अब वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। आज प्रेजेंट में अलान ने फिर एक बार अपनी लिमिट खो दी और जिम के सामने वेन पर अपना हक जताया। वेन ने जिम को बताया कि उसने अलान से पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, पर जिम अब इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। वैसे भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इनफ हैं। वेन ने अपने दोस्त गोंग को कॉल किया। गोंग समझ गया दोनों के बीच फिर से फाइट हुई है। वेन ने उसे बोला कि आज वो गोंग के प्लेस पर सो सकता है, पर गोंग ने आज इनडायरेक्ट रूप से उसे मना किया। उसे समझाया, वेन कब तक तुम ऐसे ही दूर भागोगे, वो प्लेस तुम्हारा भी है, और देखो अगर वो तुम्हें सफोकेट कर रहा है तो उस प्लेस को छोड़ दो। ब्रेकअप के बाद भी तुम दोनों साथ में रह रहे हो, इससे कुछ होगा नहीं, पर तुम उसे होप दे रहे हो, इसीलिए अब सिचुएशन से खुद डील करना सीखो। वेन को उसकी बात समझ आ गई। वो रूम वापस आया, अलान उसी का वेट कर रहा था। उसने वेन को बैठने के लिए बोला और उसकी चोट साफ करने लगा। उसने वेन को सॉरी बोला। वेन ने पूछा, क्यों? अलान बोलने लगा, तुम्हें चोट देने के लिए और तुमसे जर्क की तरह बिहेव करने के लिए। लेकिन वेन, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वेन ने उसे बोला, तुम्हें पता है अलान, मैंने कभी भी तुम्हें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। जब मैं तुम्हारे साथ था मैंने बस तुम्हारी केयर की, मेरा फोकस बस तुम पर था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। वेन फिर अपने रूम आया। उसने गोंग को मैसेज करके अपने लिए रूम ढूंढने को कहा, फिर जेम को मैसेज किया, उसे सॉरी बोला, और अगर टाइम है जेम के पास तो वेन उससे बात करना भी चाह रहा था। जेम ने उसे रिप्लाई किया, अभी नहीं, बाद में फेस टू फेस बात करेंगे। जिम उससे दूरियां बनाने लगा था, पर उसे भी तो वेन से प्यार है, दूरी बनाना आसान तो नहीं। उसकी नजर अपनी फेवरेट मूवी की डीवीडी पर गई और याद आया जब उसने वेन को उस मूवी की स्टोरी बताई थी, तब वेन ने बोला था, अगर मैं होता तो अपने प्यार को सक्सेस करने के लिए कुछ भी करता। जिम ने उसे बोला, चाहे इससे किसी की भी फीलिंग हर्ट हो। वेन ने उसे समझाया, देखो लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो हर्ट नहीं होता, पर अगर हर्ट नहीं तो प्यार नहीं। जिम बोलने लगा, 20 के एज में हर्ट होने से बिल्कुल डिफरेंट होता है नियरली 40 के एज में हर्ट होना। कुछ दिन बीत गए, जिम और नेफ्यू लिमिंग बाहर ब्रेकफास्ट करने आए। वहाँ एक लेडी उन्हें बताने लगी कि मिस्टर सोंग वहाँ के लैंडलॉर्ड अब अपनी जमीन वापस ले रहे हैं। जिम ने तो इस बारे में सुना ही नहीं था। लिमिंग बोलने लगा, अंकल मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें, पर अंकल के लिए तो वो अभी बच्चा ही है। उसने चुपचाप लिमिंग को खाना खाने के लिए बोला। लिमिंग की नजर ग्यापा पर गई। ग्यापा उनके पास आया। उसने जिम को बताया, मैं आपसे ढाबे पर मिलने वाला था पर आप यहीं मिल गए। मिस्टर सोंग लैंडलॉर्ड के बारे में मैंने मॉम से बात की, अगर तुम वो प्लेस खरीदना चाहते हो तो मेरी मॉम से पैसे ले सकते हो। जिम ने इस बात से तुरंत इनकार कर लिया। ग्यापा बोलने लगा, मुझे मालूम था, इसीलिए तो मैं ये मेरी मॉम के खाली प्लॉट का पेपर लेकर आया हूँ। तुम इसे गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकते हो। जिम ऐसा भी कैसे कर सकता है, उसने इस बात से भी इनकार किया, पर ग्यापा भी उसे मनाने में एक्सपर्ट था।
मेरी मॉम ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था, और अगर तुम नहीं ले रहे हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा सकता हूँ, तब तो तुम ले लोगे ना। जिम अब मना नहीं कर पाया। लिविंग की नज़र फिर वेन पर गई। उसने आवाज दी वेन को अपने साथ ब्रेकफास्ट ज्वाइन करने के लिए बोला, पर वेन ने मना किया। जिम और वेन के बीच सिचुएशन अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जिम उसे इग्नोर कर रहा था। वेन ने मना किया कि वो अपने कलीग्स के साथ आया है, तो बाद में फिर कभी, और वो वापस चला गया। लिविंग को भी सिचुएशन कुछ कुछ समझ आ रही थी। जिम उसे सब्जी मंडी ले गया। सब्जी खरीदते हुए कई सारे लेक्चर दे दिए उसे, पर लिविंग ने उसे पूछा, वेन अब हमारे डिनर पर काम नहीं करता क्या? वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा। जिम ने उसे बोला, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें उसे से पूछने चाहिए थे। लिविंग बोलने लगा, अंकल वेन मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट पर्सन है। जिम को बात समझ नहीं आई, लिविंग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिविंग ने बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। फिर उसने अपने लिए दो मिल्क कॉफी ऑर्डर किए। जिम को यह नहीं चाहिए था, तो लिविंग कौन सा उनके लिए खरीद रहा था? ये तो उसके स्पेशल वन हार्ट के लिए था। लिविंग अंकल को वहीं छोड़कर हार्ट के घर आ गया। दोनों ने मिल्क कॉफी को बहुत एंजॉय किए। हार्ट ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें साइन लैंग्वेज के न्यू वीडियोस आए थे। लिविंग भी उसे पूछने लगा, तुम आगे क्या पढ़ना चाहते हो? हार्ट तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाह रहा था। लिविंग तो ये सुनते ही थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसे लगने लगा इसका मतलब हार्ट बहुत स्मार्ट है, पर हार्ट को इसमें एक प्रॉब्लम थी। उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने देंगी। लिविंग ने उसे बताया, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए वरीड होंगी इसीलिए। पर हार्ट को बाहर जाना था, नॉर्मल पीपल की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपने लिए जॉब करना था। लिविंग ने उसे समझाया, वर्क करना इतना भी इजी नहीं होता, पर हार्ट को नॉर्मल लोगों की तरह जीना था। तो लिविंग ने उसे एक काम के बारे में बताया। दोनों मॉल में टेडीज बन गए। बच्चों ने उनके साथ खूब सारे फोटोज खिंचवाए। दोनों काफी थक गए, फन भी बहुत किया दोनों ने, लेकिन उन्हें देख लिया वेन ने। दोनों चेंज करके वेन के साथ बैठे। वेन उन छोटे छोटे क्यूट लड़कों को देख रहा था। साथ में दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, और शायद जिस बात से वो दोनों अनजान हैं, वेन उनकी वो बात समझ पा रहा था। लिविंग ने उसे बताया, ये हार्ट है, ये बोल और सुन नहीं सकता। हार्ट को भी बताया, वेन है बिग ब्रो। वेन ने दोनों से पूछा, तो आप दोनों यहाँ कैसे काम करने आए? लिविंग ने उसे बताया, एक दोस्त ने मुझे इस जॉब के बारे में बताया था, और मैं कुछ पैसे अपने वर्क एंड ट्रेवल के लिए भी बचाना चाहता हूँ, ताकि अंकल को ना बोलना पड़े। वेन पूछने लगा, और वो इससे ओके है? लिविंग ने हाँ में जवाब दिया, और वेन से कहने लगा, आप अपना बताइए, आजकल ढाबे पर काम करने नहीं आते? वेन ने उसे बताया, अंकल ने मुझे बोला कि आजकल डिनर पर इतनी भीड़ नहीं होती, तो आने की जरूरत नहीं है। पर ये बिल्कुल झूठ था, डिनर पर तो अभी भी भीड़ रहती है। अब दियापा उनकी हेल्प करता है। फिर दोनों हार्ट और लिविंग ने एक दूसरे के सेल्फीज खिंचवाए। वेन से भी दोनों ने काफी सारे फोटोज खिंचवाए। ज्ञापन ने जो प्लॉट के पेपर जिम को दिए थे, जिम उसे लेकर बैंक में लोन लेने पहुंच गया। अलान तो उसे खून भरी नजरों से देख रहा था। डॉक्यूमेंट देखकर उसने पूछा, इस डॉक्यूमेंट के ओनर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जिम को क्वेश्चन अजीब लगा, फिर भी उसने आंसर दिया कि उन्हें कुछ टाइम से वो जानता है। अलान ने उसे डॉक्यूमेंट साइन करवाया और बोला, अगर उसका प्रोसेस आगे नहीं जाता है तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। नंबर उसमें जो दिया है उसे यूज करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिम का जवाब ना में था और वो जाने लगा, पर अलान ने उसे रोका। जिम के हाथ में उसका पेन था, वो उसे वापस मांगने लगा। जिम ने उसे सॉरी बोला, उसे नहीं मालूम था कि वो उसका पेन लेकर जा रहा है। अलान बोलने लगा, अब पता चल गया है ना, तो वापस कर दो जो मेरा है। जिम उसके कहने का मतलब समझ रहा था। उसने पेन वापस कर दिया और वहां से चला गया। अलान घर वापस आया, पेन पहले से ही रूम में था, और उनके बीच फिर बहस शुरू हो गई। वेन ने उसे बोला, तुम श्योर हो कि फाइट स्टार्ट नहीं कर रहे हो तुम? अलान ने तो उल्टा जवाब दे दिया। वेन फिर उसे पूछने लगा, अलान एक पर्सन बैंक से लोन लेने के लिए किसी दूसरे के सामान को गिरवी रख सकता है? अलान ने हाँ में जवाब दिया, हाँ जब तक उसका ओनर अलाउ करता है तब तक यह पॉसिबल है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने तुम्हें मुझसे ये पूछने के लिए कहा है। वेन को गुस्सा तो आया, पर उसने पूछा, क्या उसे लोन मिलेगा? अलान अपने तेवर पर उतर आया, वेन तुम्हें लगता है मैं ये अप्रूव करूंगा? वेन नाराज हो गया, अलान तुम इसे सिविल वर्क कहते हो? अलान भी बोलने लगा, मैंने ऑलरेडी अपने प्रोफेशन और प्राइवेट लाइफ में बहुत से पर्याय रखे हैं। वेन ने उसे बोला, अलान तुम्हें मालूम है अगर उसे लोन नहीं भी मिला ना तो भी मैं उसे लाइक करूंगा। अगले दिन वेन के ऑफिस में मरीना बीच प्रोजेक्ट पर जोन 3 के बारे में मीटिंग हुई। जोन 3 यानी कि जिम के ढाबे वाला एरिया। वहाँ के काफी लोग अपनी जमीन बेचने को रेडी थे, पर काफी ऐसे थे जो अपनी जमीन नहीं बेचना चाह रहे थे। और जोन 3 को प्रोजेक्ट के लिए अभी फाइनल भी नहीं किया गया था, पर वेन की टीम को उसे इंस्पेक्ट करना था। मीटिंग के बाद गोंग ने वेन को बताया, अलान मुझसे मिलने आया था और एक आदमी की फोटो दिखाकर मुझसे पूछ रहा था कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं। मैंने बोल दिया अगर उसे जानना है तो वो डायरेक्ट वेन से ही पूछे। वेन बोलने लगा, मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऑलरेडी अलान से ब्रेकअप कर लिया है। गोंग थोड़ा नाराज हो गया, वेन तुम जो भी डिसाइड कर रहे हो पहले श्योर हो जाओ, मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता। तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिए हैं फिर भी एक साथ रह रहे हो और बोल रहे हो तुम लोग बस फ्रेंड की तरह हो। तुम्हें पता है अलान के लिए कितना मुश्किल है, और तुम्हारे जैसे ड्रंक आदमी पर तो भरोसा नहीं कर सकते। वेन ने उसकी बकबक बंद की।
ठीक है, मैं वहाँ से मूव करने के लिए न्यू प्लेस ढूंढ रहा हूँ। फिर उसने कुछ सोचा और जिम को कॉल किया, पर जिम ने कॉल देकर इग्नोर कर दिया। वेन सीधे ढाबे पर पहुँच गया और जिम की चोरी पकड़ी गई। दोनों शांति से बात करने बैठे। वेन पूछने लगा, मैटर क्या है अंकल जिम, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप फेस टू फेस बात करना चाह रहे थे ना? अब लो मैं आ गया, बात कीजिए। जिम का जवाब सिंपल था, मैं तो तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए। वेन, आई थिंक मैंने हमारी पहली मीटिंग में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। वेन नाराज हो गया, अंकल लॉजिकल बनो, मैंने अलान से बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, हम बस साथ रहते हैं और अब हम फ्रेंड्स हैं। ये बात तो तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और तुम भी कहीं ना कहीं मुझे लाइक करते हो। जिम बोले लगा, देखो वेन, तुम जिसके साथ जैसे भी रिलेशनशिप में रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही तुमसे पूछा था कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, पर देखो ये क्या है वेन, मैं एक ओल्ड आदमी हूँ, मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता। नाराज वेन वहाँ से चला गया। उसने इस बारे में बहुत सोचा कि सब कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है, और फाइनली उसने अलान से क्लियर बात करने के बारे में सोचा। उसने अलान को कॉल किया और शाम को बाहर चलने के लिए बोला। दोनों शाम को बाहर आया, दोनों ने बीफ ऑर्डर किए। वेन बोलने लगा, मैंने बीफ खाना तब शुरू किया जब तुम्हें डेट करना स्टार्ट किया, मैंने इससे पहले कभी बीफ नहीं खाया था, वो हमारी फर्स्ट डेट थी और तुमने इम्पोर्टेड बीफ ऑर्डर किया था, और तुम्हें खुश करने के लिए मैंने सारे बीफ खाए थे। सच बताऊं तो अलान, मुझे बीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं। अलान बोलने लगा, तो फिर तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब बीफ से ज्यादा तुम्हें चिकन राइस पसंद आने लगे हैं। वेन अब सीधे पॉइंट पर आ गया, अलान मैंने गोंग को बता दिया है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अलान को यह सुनकर दुख हुआ, वेन तो तुमने मुझे ये बताने के लिए बाहर बुलाया है, और अभी ही क्यों, पिछले 4-5 सालों से क्यों होप दे रहे थे तुम मुझे? वेन बोलने लगा, अलान मुझे भी लगा था कि हमारे बीच सब वर्क करेगा, मैं भी ऐसे ही उम्मीद कर रहा था, पर नहीं हुआ ऐसा। अलान की आंख में आंसू आ गए। वेन आगे बोलने लगा, अलान मैंने देखा है तुमने मेरे लिए कैसे सब कुछ किया, पर मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज हमें यहीं स्टॉप करना होगा, तुम भी उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहोगे जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। अलान ने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा, वेन अगर कोई और तुम्हें पसंद नहीं आता तो क्या फिर भी हमारा डिसीजन यही होता? वेन का जवाब हाँ में था। फिर उसने अलान की रिंग वापस कर दी और वहाँ से चला गया। अलान अब वेन के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो फूट फूट कर रोने लगा। इधर लिमिंग ने लैंग से उसकी स्कूटर मांगी और बदले में लैंग ने उसे टैंक फुल करने के लिए बोला। लिमिंग के जाते ही जिम ने लैंग को पैसे दिए, लिमिंग उसके स्कूटर यूज कर रहा है ना तो इसीलिए, पर लैंग ने मना किया। जिम अपने पैसे वापस रखने वाला था, लैंग ने तुरंत उससे पैसे ले लिए। रीजन, पैसे चाहे कम हो या ज्यादा उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके बच्चे के डायपर के लिए हो जाएगा। जिम को उसकी नादानी पर हंसी आ गई। उसने लैंग से पूछा कि प्रायो को वो अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर गया है या नहीं। लैंग को ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, वैसे भी लड़का हो या लड़की दोनों को ही वो बहुत अच्छे से बड़ा करेगा, और आजकल गे हो या स्ट्रेट मैन विनर वही होते हैं जो रिच होते हैं। जिम की नज़र सामने के दो कपल्स पर गई और उसके मुंह से निकल गया, और वो जो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लैंग उसकी बातें समझ गया। उसने जिम से पूछा कि कब वो अपनी हैप्पीनेस ढूंढेगा, और हमेशा की तरह जिम का सेम रिप्लाई था, चुप्पी या बात को टाल देना। लिविंग बिहार को लेकर निकल गया शहर घूमने। दोनों ने पटाया शहर के लगभग हर एक कोने को विजिट कर लिए। कुछ प्लेस तो ऐसे थे जिसे हार्ट ने अपने जन्म से लेकर अभी तक देखा ही नहीं था, और लिमिंग उसे हर बार उस प्लेस पर लेकर जाने के लिए तैयार था। लिमिंग के लिए तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल पर्सन ही है, और हार्ट की लाइफ में लिमिंग की एंट्री के बाद पहली बार वो खुद को नॉर्मल पर्सन की तरह फील कर रहा था। लिमिंग ने उसे स्कूटर चलाना सिखाया, लेकिन हार्ट का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर की हालत थोड़ी खराब हो गई। लिमिंग ने पहले ही लैंग को कॉल करके सॉरी बोल दिया। हार्ट को थोड़े बहुत चोट आए थे। दोनों क्लिनिक से घर लौटे तो वहाँ अंकल जिम हार्ट के माँ बाप के साथ पहले से ही मौजूद थे। डैड ने दोनों से मैटर पूछा। लिमिंग ने सबसे पहले हार्ट को चुप रहने के लिए बोला और खुद सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा। सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने ही इसे स्कूटर चलाने दिया और वो गिर गया, पर हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। हार्ट की मॉम भी लिमिंग को डांटने लगी। लिमिंग, मैंने इसकी परमिशन नहीं दी थी, तुमने अभी अभी अपने नुकसान की भरपाई की है, तुम और काम करना चाहते हो क्या? पर लिमिंग उन्हें समझाने लगा कि डीप लोग स्कूटर राइड कर सकते हैं। जिम उसे चुप रहने के लिए बोलने लगा। हार्ट की मॉम ने भी उसे डांटा कि हार्ट म्यूट है, वो स्कूटर नहीं चला सकता। लिमिंग को गुस्सा आ गया। मैम, आप जानती हैं डीफ लोग म्यूट कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हार्ट उनकी बहस देख रहा था, उसे उनकी बातें तो समझ नहीं आ रही थी, पर एक्सप्रेशन से उसे पता चल गया कि सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। उसने लिमिंग से सिचुएशन उसे समझाने के लिए बोला। लिमिंग ने उसे लिखकर सिचुएशन बता दिया। हार्ट भी अपनी माँ से बहुत नाराज हो गया। उसने माँ को इशारों में कुछ बोला और लिमिंग ने उसका मतलब बताया। माँ, आप कुछ भी नहीं जानती, मैं नॉर्मल पीपल की तरह घर से बाहर निकलना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, ना कि मुझे यहाँ घर में बंद रहना है। मॉम बुरा फील करने लगी। उन्होंने हार्ट को सॉरी बोलना चाहा, पर साइन लैंग्वेज में हार्ट से माफी कैसे मांगे ये भी वो नहीं जानती। हार्ट ने फिर मॉम को इशारों में कुछ बोला।
मॉम को उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं आई। उन्होंने लेमिंग से मीनिंग बताने के लिए कहा। लेमिंग बताने लगा, आर्ट पिछले 3 सालों से डीप है, पर आपने कभी भी उसे नहीं समझा और ना ही कभी उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की। आप तो उनके डीप होने पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मॉम को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उनका बेटा इतने सालों से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ जी रहा है, पर वो उसे कभी समझ ही नहीं पाई। मॉम हार्ट से माफी मांगने लगी, पर नाराज हार्ट अपने रूम में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। लिमिंग भी उसके पीछे पीछे आया। वो हार्ट को संभालने लगा। अंकल जिम और लिमिंग घर वापस आए। अंकल जिम ने तो लिमिंग को डांटना शुरू कर दिया कि वो एक के बाद एक ट्रबल में फंसता रहता है। लिमिंग बोलने लगा, अंकल मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसने मुझे कहा था उसे बाहर लेकर जाने को, पर अंकल जिम उससे कहने लगे, लिमिंग तुम्हें उनके पेरेंट्स के बारे में तो सोचना चाहिए, अगर उसे कुछ हो जाता तो। लिमिंग भी नाराज हो गया, अंकल उसका सिर्फ मैं ही एक फ्रेंड हूँ और वो बाहर घूमना चाहता था। अगर आप भी हार्ट के पेरेंट्स होते तो उन्हीं की तरह करते हार्ट के साथ, और अगर आपका कोई दोस्त होता जो 3 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकला और बस आपकी वजह से वो घर से बाहर निकल पा रहा है, तो क्या आप उसे बाहर लेकर नहीं जाते। अंकल जिम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लिमिंग भी उनसे कहने लगा, अंकल मैं इनब बड़ा हो गया हूँ, मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। अगली बार से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको मेरी हेल्प करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। नाराज लिमिंग अपने रूम में चला गया। जेम भी काफी परेशान हो गया। फिर जेम को वेन का कॉल आया। जेम वैसे भी बहुत परेशान था। वो वेन को लेकर अब और परेशान नहीं होना चाहता था। उसने फोन साइड में रख दिए, पर फिर डोरबेल की आवाज आई। जेम ने गेट खोला तो देखा वेन बाहर अपने सामान लेकर खड़ा था। उसने जिम को बोला, अब मेरे पास रहने के लिए कोई प्लेस नहीं है, और वो जिम के गले लग गया। तो इसी के साथ मूनलाइट चिकन एपिसोड 5 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।